शशांक, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? पर्सनली मैं जब इन्वेस्टिंग देखता हूँ तो अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू लार्ज कैप फंड्स या मिड कैप या स्मॉल कैप. मैं पर्सनली माइक्रो, स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ. तो जब मेरे को व्हेन आई वाज कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए, जब मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना था, तब आई गॉट मिस्टर कुणाल सरावगी एज माय मेंटर. एंड जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप वो कंपनीज, अगर उनको हम पेड़ से बात करें तो वो एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुकी है विच इज गिविंग फ्रूट्स. जैसे विप्रो या आप किसी भी कंपनी के ले लें, पहले वो बहुत छोटी कंपनियां हुआ करती थी 20 ईयर्स बैक, बट नाउ दे हैव गॉन ग्रोन बिग. वो एक कंप्लीट एक पेड़ बन चुकी है. हो सकता है ओवर द टाइम आपको उस पेड़ से फ्रूट मिले और सब कुछ हो, बट वाई आई गॉट इन टू मल्टीपल मिड कैप, स्मॉल कैप एंड स्मॉल कैप, क्योंकि जब तक आप छोटे प्लांट्स नहीं लगाओगे, जैसे जब तक आप छोटे प्लांट्स नहीं लगाओगे तब तक आप उसको पेड़ में ग्रो करते हुए कैसे दिखोगे. तो जब आप एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक छोटी सी कंपनी से ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. हेलो फ्रेंड्स, टुडे ट्रेडर्स टॉक के एपिसोड में वी हैव इनवाइटेड मिस्टर शशांक बंसल. शशांक इज अ सेबी रजिस्टर्ड आरए. इनकी फैमिली ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड है, दे आर इनटू स्टॉक ब्रोकिंग. शशांक हिमसेल्फ हैज डन बीबीए, एमबीए, ही हैज डन एल्गो ट्रेडिंग इन एचएफटी एंड ही डज वंडरफुल फंडामेंटल एनालिसिस. एंड दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड हिम फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग अगर करनी हो तो किस तरीके से करनी चाहिए. सो शशांक, वेलकम टू ट्रेडर्स टॉक. Thank you so much, Rohit, for inviting me and giving me a chance to share my views on fundamental investing. For the viewers who don't know, he is also the founder of Trade Paathshala. So, Shashank, what are we going to learn today? Let's delve directly into that question. So, my plan is to make everybody understand why fundamental investing is important. So, now, retail public or general public is more focused on getting quick money. But the wealth creation which happens, it happens through fundamental investing. So wealth creation always happens through fundamental investing. We have heard everybody when they try to give example of stock market, ki agar hum 1990 mein Wipro khareede hote to abhi itna hota. Different examples. There are different examples ki agar maine COVID ke baad hi invest kiya hota to mera portfolio 2.5 times ho jata. To ye jo examples hai, wo examples actually kahan se hai? Because some person was there who was actually investing और उन्होंने उस टाइम पे उस कंपनी के वैल्यू रियलाइज करके तब उसमें इन्वेस्ट किया. सेकेंडली, जब पर्सनली मैं जब इन्वेस्टिंग देखता हूँ तो अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू लार्ज कैप फंड्स या मिड कैप या स्मॉल कैप. मैं पर्सनली माइक्रो, स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज दिस जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मेरी पर्सनली मैंने बनाई है. और द बेस्ट थिंग अबाउट माई करियर हैज बीन दैट आई हैव गॉट गुड मेंटर्स ओवर द टाइम. तो जब मेरे को व्हेन आई वाज कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए, जब मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना था, तब आई गॉट मिस्टर कुणाल सरावगी एज माय मेंटर. फिर जब मुझे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में फर्दर आगे जाना था तो आई गॉट मिस्टर आयुष मित्तल, मिस्टर प्रत्युष मित्तल एंड उनके थ्रू, मतलब दे आर माय ब्रदर्स, तो उनके थ्रू मेरे को फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में आने को मिला. और उनके जो फादर है मिस्टर एसपी मित्तल, द मेन गाय हु स्टार्टेड विद फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, उनका सिर्फ यही कहना था कि जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो व्हाई वी इन्वेस्ट इनटू अ शेयर इज कि हम जब शेयर खरीदते हैं तो हम उसके पार्टनर्स बनते हैं, या क्योंकि बिकॉज हम वो कंपनी से प्यार करते हैं कि जिस तरीके से कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो यूनिक है, या कंपनी ऐसा कुछ प्रॉफिट कमा रही है जिससे हमें भी फायदा मिल सकता है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी पार्टनर्स ऑफ दैट कंपनी. एंड जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप वो कंपनीज, अगर उनको हम पेड़ से बात करें तो वो एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुकी है विच इज गिविंग फ्रूट्स. जैसे विप्रो या आप किसी भी कंपनी के ले लें, पहले वो बहुत छोटी कंपनियां हुआ करती थी 20 ईयर्स बैक, बट नाउ दे हैव गॉन ग्रोन बिग. वो एक कंप्लीट एक पेड़ बन चुकी है. हो सकता है ओवर द टाइम आपको उस पेड़ से फ्रूट मिले और सब कुछ हो, बट वाई आई गॉट इन टू मल्टीपल मिड कैप, स्मॉल कैप एंड स्मॉल कैप, क्योंकि जब तक आप छोटे प्लांट्स नहीं लगाओगे, जैसे जब तक आप छोटे प्लांट्स नहीं लगाओगे तब तक आप उसको पेड़ में ग्रो करते हुए कैसे दिखोगे. तो जब आप एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक छोटी सी कंपनी से ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. जो मल्टी बैगर टर्म है वो एक्चुअली आपके इन्वेस्टिंग मिड कैप या स्मॉल कैप से आता है.
एंड फर्स्ट चीज, सेकेंड चीज क्या होती है कि जब आप लार्ज कैप बिजनेस की बात करते हो, अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस के पास कई बिजनेस है, वो टेलीकॉम में है, वो ऑयल में है, उसका रिटेल बिजनेस है, बट वही अगर हम कोई एक छोटी कंपनी लेते हैं तो उसमें उनका एक सिंगल बिजनेस होता है जिसको वो फर्दर एक्सपैंड करी होती है, तो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि उनका सिर्फ एक बिजनेस है, तो यू ओनली हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल कंपनी जिसके ऊपर आप कर सकते हो, तो इट्स ईजियर. लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप इज रिस्की, बट अगर आप मानो तो लार्ज कैप है जो काफी टाइम्स पी पे चल रही है एंड उसमें इन्वेस्ट करना इज मोर रिस्कियर देन फाइंडिंग अ गुड वैल्यू कंपनी इनटू स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड उसमें इन्वेस्ट करना. बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चाहिए होता है अपने को. हाँ, मतलब बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू नीड टू फाइंड गुड कंपनीज. गुड कंपनीज का कोई एक सेट ऑफ या फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन पीपल, देयर बिजनेस एंड देन नंबर्स. I understand what you are saying, ठीक है, but then we hear examples. अब जब investment की बात आती है, we always look towards Warren Buffett, ठीक है, and then we I think you have seen that particular movie Forrest Gump. Yeah. Forrest Gump के अंदर दिखाया था कि end के अंदर he was holding the shares of some fruit company, ठीक है, so it was actually Apple they were talking about. Now एक चीज दिमाग में आती है कि Apple grew from 1990 and post the iPod era till 2019 as a multi-bagger. मतलब उसने बहुत grow किया उस time पे. The investors like Warren Buffett invested in that company around 2018-2019 period, if I'm not wrong. ठीक है. So it goes exactly counter to the thinking that we are discussing right now. I think it might be happening because जितना पैसा उनके पास होता है वो बेचारे छोटे caps में डाल ही नहीं सकते. इट्स नॉट लाइक दैट ओनली, बट ये होता है कि सबका एक तो डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है. ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करता, इसका मतलब नहीं बाकी लोग नहीं कर सकते. देयर आर स्टिल पीपल जिनको अभी भी रिलायंस वैल्यू वाइज सस्ती लग सकती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस. उनको ऐसा लग सकता है कि अभी रिलायंस ये बिजनेस और करेगा या तो ये बिजनेस उन्होंने टेक ओवर किया जिस वजह से फर्दर कर सकते हैं, या HDFC बैंक अभी और ब्रांचेस खोलेगा और ग्रो करेगा. आई एम नॉट सेइंग कि लार्ज कैप में ग्रो होने के चांसेस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है. हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग को सिंपल रखना चाहते हैं, मतलब बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है. और जितना आप कोई भी चीजों को सिंपल रखेंगे आप उस पर उतना ज्यादा फोकस रख पाएंगे और उतना ज्यादा आपको वो चीज समझ में आएगी. जैसे इकोनॉमिक्स ज्यादा टफ होती जाएगी उसकी समझने. हाँ, क्योंकि जैसे अब आप रिलायंस के मेरे को 10 बिजनेस का ट्रैक रखना पड़ेगा तब जाके मैं एक रिलायंस ओवरऑल वैल्यू कर पाऊंगा कि रिलायंस कैसा कर रहा है. मतलब यहाँ पे जस्ट हम एक कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे ही अगर मैं कोई छोटी कंपनी लेता हूँ जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन में, तो सिर्फ मुझे उसके कंस्ट्रक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, और क्योंकि सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन में, तो मैं देखूंगा कि वो जो भी प्रोसेस करी है, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं मैनेजमेंट, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि नहीं. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर. आई थिंक आई गॉट द पॉइंट. तो अब कैसे करें, अब नाउ तो हो गया कि जैसे मैं स्मॉल कैप मिड कैप में करता हूँ, एंड बेस्ट पार्ट जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो बेस्ट पार्ट क्या है कि इस समय क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं. तो जब हम लोग का फर्स्ट, तो वैसे आपको मैं उसके बारे में और चलेंगे, जैसे हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो आप देखोगे, मैं यहाँ पे screener.com यूज कर रहा हूँ, screener.in, तो लेट्स गो टू इट. तो अगर आप देखोगे देयर इज अ, सामने ही उनके होम पेज देयर इज अ क्वार्टरली रिजल्ट का पेज. तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर किसी कंपनी ने ग्रोथ की है, मतलब हम किसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे जिससे जो हमारा उसमें पैसा लगा हुआ है वो भी उसके साथ ग्रो होगा. तो जैसे क्या कि यहाँ पे आप अपने साइज के हिसाब से आप इसको वो कर सकते हो. अगर अभी हम लोग मैक्सिमम मान लीजिए कि 1000 कैप के आसपास कर लेते कि वो मिल जाए, तो लेट्स सी कि यहाँ पे देखेंगे आपकी डिफरेंट कंपनीज के रिजल्ट आए एंड वो आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर बता दे कि क्या फर्क पड़ा. तो उससे कहते हैं कि जैसे ही किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं तो हमारा उस पर फोकस जाता है कि ये कंपनी क्यों इतना अच्छा कर रही है, अपने पीयर से क्या डिफरेंट कर रही है, एंड अगर इसके में सेल्स में जंप है तो उसका रीजन क्या था. जब आप टेक्निकल में जाते हैं या आप प्राइस देखते हैं तो यू लुक एट द प्राइसेस. हमारे लिए जो जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं, जब फंडामेंटल में जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नंबर्स है जो कंपनी क्वार्टरली ला रही है, या वो जो पीपीटीज देती है इन्वेस्टर्स को, या वो जो कॉन कॉल करती है, वो हमारे तरीके होते हैं कि हमें कंपनी के बारे में और कैसे पता चले.
तो जैसे जस्ट टेकिंग यहाँ पे एक धनवंतरी है, जैसे दिस कंपनी हैज बीन डूइंग अ सेल ऑफ 4.98 करोड़, अब 5.44 करोड़, अब 5.70 करोड़ हो गया. तो व्हेन वी हमारा पहला क्या रहेगा कि अगर हम इस कंपनी में जाएंगे वी विल सी कि ये सेल्स में जो ग्रोथ आई वो क्यों आई, एंड कंपनी जब दिसंबर में उससे लेस सेल करके जब ज्यादा प्रॉफिट बना पा रही थी तो व्हाट इज द रीजन कि उसका जो मार्जिन है वो हाफ हो गया. तो दीज आर द थिंग्स विच वी ट्राई टू फाइंड इन इन अ कंपनी. और मतलब कि अगर हम अपने ह्यूमन माइंड की बात करें तो कोई भी चीज हमें रिजेक्ट करना बहुत इजी होता है. तो दिस इज व्हाट आई लर्न लेटेस्टली, मतलब कि क्योंकि इन्वेस्टिंग इज अ पार्ट जिसमें आप सीखते रहते हो, तो ये जो मैंने अभी लेटेस्ट सीखा कि अगर आप किसी कंपनी को रिजेक्ट भी कर रहे हो तो मेक अ रीजन कि व्हाई यू आर रिजेक्टिंग दैट कंपनी. तो दिस इज कि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स या अपकमिंग रिजल्ट्स पढ़ के आप कैसे रख सकते हो. एंड जो कंपनीज मैं फॉलो करता हूँ, अगर आप देख सकते हो इसमें से कुछ हो भी सकती है कि मेरे पोर्टफोलियो में हो या मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में हो, तो स्टिल मतलब बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट आई विल आल्सो लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर कि यहाँ पे हम सिर्फ मतलब फंडामेंटल इन्वेस्टिंग डिस्कस करने के लिए कोई शेयर्स की बात करें, नॉट जस्ट बिकॉज कि हम कोई उस पर बाय या सेल कर सकते हैं या मेरे पोर्टफोलियो में हो सकती है. ओके तो अब मान लो अगर हमें फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट किसी ने सीखनी है तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल लाइक टू डिस्कस अबाउट दैट. तो अगर मतलब फंडामेंटल्स किसी को स्टार्ट करना है एंड समबडी हु हैज नॉट बीन डूइंग फंडामेंटल, तो मैं बेस्ट बोलूंगा कि फर्स्ट दे हैव टू फोकस ऑन अकाउंट्स, कि उनको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज हो. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको उतनी अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज तो होगी. If you're not from commerce background, आप class 11th की CBSE के books की आप accounts उठा लो, उससे ही आपको basic knowledge मिल जाएगी. Because जब हम numbers की बात करें, जब तक आपको ये नहीं पता कि वो number mean क्या करते हैं, आप उसको analyze कैसे करोगे. तो the first step would be identifying, मतलब कि थोड़ा सा आप basic account सीख लो. Second, कि आप second identifying the idea, कि किस idea के basis पे आप work करना चाहते हो. तो अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आजकल मतलब देयर वेरियस आइडियाज कि आप या तो केपेक्स पे कर सकते हो, या देयर इज अ थीम विच इज गोइंग इन द मार्केट जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो. बट कभी भी आपके जो मेन तीन चीजें वो हमेशा सेम रहेंगे, पीपल कि ये जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, बिजनेस कैसा है, जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है. और यहाँ पे कोई हम वो रूल नहीं है, यहाँ पे आपको खुद उसको पढ़ के डीप में जाके समझना ही पड़ता है. एंड फिर थर्ड आती है उसकी वैल्यूएशन, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में काफी कंपनी है, तो हम कोई हमें एक स्क्रीन चाहिए होती है कि किस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करें. तो उसके लिए हम एक बेसिक आइडियाज या बेसिक नंबर ले सकते हैं. तो मतलब मैंने कुछ टाइम पहले ही एक बुक पढ़ी थी कि व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन, इट इज रिटन बाय मिस्टर पुलक प्रसाद. तो दिस वन बुक व्हिच आई वाज यूजिंग फॉर इन्वेस्टिंग, और उन्होंने उसमें बात की कि आरओसीई व्हिच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसीई व्हिच इज, वन सेकंड आई जस्ट राइट इट फॉर यू, आरओसीई व्हिच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर ये किसी कंपनी का कंसिस्टेंट है तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. क्योंकि अगर कोई कंपनी एक अपने कैपिटल पे लगातार एंड अ स्टेबल रिटर्न दे पा रही है तो उसका मतलब कि वो कंपनी अच्छा कर रही है, वो बिजनेस अच्छा कर रही है, एंड साथ ही जो वो लोग हैं वो भी अच्छा करना चाह रहे. तो देयर इज वन आइडिया कि आप आरओसी ले सकते हैं. एंड आगे जाने से पहले देयर इज वन मोर आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम पैरामीटर कैसे बना सकते हैं. तो मतलब फॉर इन्वेस्ट मतलब कि फॉर बेसिक मतलब कि अपने व्यूअर्स के लिए मैं बता जाऊंगा कि पीई, देयर इज अ वेरी फेमस मैट्रिक्स जिसका नाम है पीई, जिसका अगर इसका फुल फॉर्म लेंगे विच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. तो सब लोग बोलते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना सस्ता हो उतना अच्छा होता है, बट नॉट एग्जैक्टली. एंड हाउ टू डिसाइड अ पैरामीटर कि इसके नीचे अगर पीई है तो वो अच्छा होगा. तो
सबसे पहले अगर हम बेंचमार्क इसको मानते हैं, हम यहाँ पे बेंचमार्क लेते हैं अपने निफ्टी को, तो सबसे पहले हम निफ्टी की एक काम कर लेते हैं कि निफ्टी 50 की पी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करेंटली, अगर उसकी बात करें तो निफ्टी करेंटली पीई पे है 23.4। तो अगर आपको कोई कंपनी 23.4 की पीई से मिल रही है तो हो सकता है वो अच्छी हो। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 4.21। एंड अगर आप निफ्टी 50 के पांचों कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनुअली डिविडेंड यील्ड जो मिलेगा वो 1.12% का है, एंड अप्रोक्सीमेटली इसकी जो ग्रोथ है वो 26% की। तो अगर इफ यू कैन गेट नंबर्स बेटर देन दिस, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बोल रहा है 4.21 है, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे 100 रुपए के असेट है मेरे पास, तो ये बोल रही है कि कंपनी जो है वो 421 रुपए की वैल्यूड है इस समय, कि वो 100 रुपए के असेट को यूज करके ग्रो कर सकती है। वैसे ही डिविडेंड यील्ड कि आपको 100 रुपीज अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उस पर आपको 1.19% का डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। और CAGR इज नथिंग, बस वो ग्रोथ है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 ईयर का ले रहे हैं, तो कि ओवर 1 ईयर उसने निफ्टी ने कितने परसेंटेज से ग्रो किया है, एंड दिस इज ओवर 5 ईयर्स एंड दिस इज ओवर 10 ईयर्स। ओके, कि कितना कंपाउंडिंग रेट है। अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी का ऑन एवरेज 12-13% का ऑन ए ईयर कंपाउंडिंग रेट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेंचमार्क मिल गया कि हमें कम से कम इससे बेटर करेंगे तभी हमें हमारी इन्वेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बेंचमार्क। अब बाकी जो लोग अगर स्टॉक मार्केट में नहीं है उनके लिए सेकेंड चॉइस क्या होती है इन्वेस्टिंग के लिए, इज लाइक FD, कि वो FD में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर अभी का FD रेट ले लें, लेट्स चेक कि अभी FD रेट क्या चल रहा है, मैक्सिमम FD रेट विच इज लाइक, वेट, RBI, गो टू RBI की वेबसाइट, 7.5 अराउंड 7.5 चल रहा है, तो 7.5 चल रहा है। तो वो क्या बोलता है कि अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं जो विच इज वी अज्यूम कि सेफ होता है, ठीक है। सो अब आफ्टर निफ्टी जो सेकेंड एक बेंचमार्क होता है वो है FD, बिकॉज एवरी पर्सन वो जो होता है कि FD को सिक्योर मानता है। तो अगर हम FD की रिटर्न की बात करें तो FD गिव्स अस अ रिटर्न ऑफ अराउंड 7.5%, ठीक है। तो अगर सेम, अगर हम यहाँ पे भी 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर FD में, तो हमारा ईयरली रिटर्न क्या हो जाएगा, 7.5 रुपीज विच विल गेट, दिस इज वॉट FD वुड गिव यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर अब हमें FD की पी निकालनी हो, FD की अगर हमें पी निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो FD की पी क्या होता, मतलब अगर पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला इज प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पी। तो यहां अगर FD के केस में हमारा जो प्राइस है विच इज 100 रुपीज एंड अर्निंग इज 7.5, तो अगर आप ये करोगे 100 डिवाइडेड बाई 7.5 विच विल गिव यू 13.33, okay? तो 13.33, तो अराउंड मान लेते हैं कि 13.33 आ रहे, तो हम ले लेते हैं कि 13.5 इज द पी ऑफ FD। तो अगर कोई कंपनी आपको जो ग्रोथ दिख रही है, FD जो है वो कांस्टेंट है, कितना भी समय बीत जाए आपको वो हर साल 7.5 ही देगी, न ज्यादा न कम। बट अगर आपको कोई कंपनी मिल सकती है जो 13.5 से कम की वैल्यू पे रख रही है एंड वो आपको ग्रोथ दे सकती है, तो इससे बेटर क्या। तो दिस इज आवर फोकस जब हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में, जब हम कंपनी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको इतना इसलिए घुमाया कि फॉर अस टू मेक अ स्क्रीन कि हम स्टॉक कैसे स्क्रीन करेंगे। तो नाउ वील ट्राई टू मेक अ स्क्रीन यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या बात की थी कि ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होना है वो कम से कम 20% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक ये डाल देते हैं। सेकेंड हमारा स्क्रीन क्या है कि जो हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो चाहिए, PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो चाहिए, इट शुड बी
लेस देन, क्योंकि ये निफ्टी का 23% था, तो वी आर जस्ट सेइंग 20. एंड थर्ड हम दे देते क्योंकि अब यहाँ पे हम स्मॉल कैप मिड कैप वाले शेयर्स देख रहे हैं, तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसको लेस देन 5000 कर रहे हैं. वैसे और कम होना चाहिए, बट अभी हम लोग से 5000 करके इस पे क्वेरी करते हैं. तो व्हाट वी फाउंड इज लाइक नाउ, अब यहाँ पे क्या हो गया कि लगभग कितनी कंपनीज आ गई, दीज आर 267 कंपनीज आ गई. अभी भी काफी ज्यादा है टू फाइन. अब एक और जो कई लोग थंब रूल यूज करते हैं, कई लोग नहीं करते, कि जो छोटी कंपनीज होनी चाहिए उसमें प्रमोटर होल्डिंग वो एटलीस्ट 50 से कम नहीं होनी चाहिए, तो शुड बी मोर देन 50%. अगर हम इसको कर देते हैं रन दिस क्वेरी, तो हमारी कंपनी सिर्फ 203 रह गई. अब अगर हम इसको पी वाइज अरेंज कर दें तो आपको एक कंपनी की पूरी लिस्ट मिल गई. नाउ व्हाट वी विल डू इज कि अब हम इन कंपनीज में जाएंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कंपनी क्या हमारे लिए अच्छी है कि नहीं. एंड इसमें कई कंपनीज ऐसी भी आई हैं जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है एंड दे वाज सिमिलर रिटर्न्स. अब जैसे जैसे यहाँ पे एक तपारिया टूल्स है, तपारिया टूल्स इज अ गुड कंपनी जो 0.09 की पी पे चल रही है, बट द प्रॉब्लम इज कि तपारिया टूल्स में आपका वॉल्यूम ही नहीं होता, जो स्टॉक है वो पूरा प्रमोटर्स के पास है एंड ये ट्रेड ही नहीं होता है. तो आप इस मतलब अच्छी कंपनीज भी हो सकती है बट हो सकता है कि आप उसमें इन्वेस्ट ना कर पाए. बहुत लोग कंपनी भी है तो हो सकता है कि कई बार आजकल म्यूचुअल फंड्स की वजह से सेल्स आ जा रही है, वो आ जा रही है. तो लेट्स सी इसमें से कोई एक ऐसी कंपनी उठाते हैं जिसको पढ़ा हुआ भी हो और उससे थोड़ा सा और इजिली हम समझ पाए. तो विल ट्राई टू फाइंड अ गुड कंपनी एंड अ फ्रॉड कंपनी कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ पाए. सो दिस इज अ कंपनी, वेट, दिस इज, सो दिस इज नीता जेलेटिन इंडिया लिमिटेड. अगर आप इसका पी देखेंगे, सो व्हाट मार्केट कैप सिर्फ 789 करोड़ का मार्केट कैप है. कंपनी के पास जो बुक वैल्यू है वो 378 का है. सो टू नंबर्स विच वी हैव सीन टिल नाउ. कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मतलब कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है, कम दे रही है, बट एटलीस्ट कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो आपके साथ आपका प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मतलब आपको प्रॉफिट दे रहे हैं. सेकंड, कंपनी की अगर आप आरओसी देखेंगे, हमने आरओसी की बात की थी, तो 35% कंपनी अपने पैसे पे प्रॉफिट कमा पा रही है. मतलब कि अगर उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो उस पर वो 35.2% का रिटर्न दे पा रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन. और अगर आप इसका ग्रोथ देखें तो इस साल शायद जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम रही है, 5.77% रही है. तो वी विल इवन सी कि क्यों ऐसा रहा है. तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स पे कंपनी ने हमें मतलब कि गुड. अगर आप प्रमोटर, जो हम लोग ने नेक्स्ट बात की थी प्रमोटर होल्डिंग की, अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 74.5% की प्रमोटर होल्डिंग है. डेट अगर देखें तो बुक जो एक और फैक्टर्स आप यूज कर सकते हैं वो डेट. तो अगर आप डेट देखेंगे तो कंपनी के पास एकदम नेग्लिजिबल डेट है, 0.04 की एकदम नेग्लिजिबल डेट है. तो विच इज ऑल्सो गिविंग अ गुड साइन कि कंपनी के पास खुद के ही पैसे पे लगे, कंपनी को डेट की या इंटरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आ सकती. अब दिस इज द फर्स्ट जब हमने स्क्रीन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कंपनी डज. तो कंपनी का अगर हम सिंपल अबाउट पढ़े तो कंपनी 1975 में स्टार्ट हुई थी एंड ये जो है ये जेलेटिन बनाती है या कोलेजन पेप्टाइड. तो अब क्योंकि हम लोग ने एक स्मॉल कंपनी लिया, जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस आपको ये पता है कि इसका सिर्फ एक काम है जेलेटिन का, और ये एक जापानीज कंपनी है जिसके साथ जॉइंट वेंचर में है, जिसके जो एक और प्लस पॉइंट दे देती है. सेकेंड, जब हम कंपनीज देखते हैं तो वी ट्राई टू फाइंड, ये जब आप उस पर देखेंगे कि वी ट्राई टू फाइंड कि कंपनी केपेक्स कर रही है कि नहीं. अगर कंपनी केपेक्स कर रही है और केपेक्स अपने में ही कर रही है, अपने रिलेटेड प्रोडक्ट में कर रही है, तो वो हमें एक फर्दर उस पर एक प्लस पॉइंट दे देती है. थर्ड, अगर आप इसका एक्सपोर्ट देखेंगे तो अगर अभी जो डेटा यहाँ पे फाइनेंशियल 23 का है तो इसका आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी का आधा रेवेन्यू जो है 46% जो है लगभग
वो कंपनी का एक्सपोर्ट्स जाता है, विच इज अगेन अ प्लस पॉइंट। ठीक है, तो ये अब हमें बिजनेस समझ में आ गया कि जेलेटिन का है। मतलब अभी तो हम लोग काफी ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, बट एक बिजनेस समझ में आ गया कि जो नीता जेलेटिन है वो जेलेटिन बनाती है, और मतलब कि उसका 45% जो है वो उसके एक्सपोर्ट से आता है। एंड अगर आप इसमें जो पीयर्स दिख रहे हैं, इन्होंने केमिकल का पीयर्स दिया, तो पीयर्स अगर केमिकल के पीयर्स के हिसाब से मीडियम से कम पे आ रही है। एंड अगर आप यहाँ पे पी देखें, तो जो अपने हमने बात की थी कि इसकी जो यहाँ पे पी है वो 9.55 है, जबकि हमने जब एफडी की पी देखी थी, एफडी की जो पी थी वो 13.5 थी। तो ये एफडी से आपको सस्ती वैल्यू पे मिल रही है, कंपनी रिटर्न दे रही है एफडी से ज्यादा, एंड कंपनी ग्रो भी कर रही है, तो क्यों नहीं हम अपना पैसा इसमें लगाएंगे। एंड फिर अगर हम फर्दर चलते, जब कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे, तो हमें उसके बारे में और समझ में आएगा कि कंपनी ने लगभग 15% के मार्जिन पे कंपनी चल रही है, विच इज गुड। अगर देखें टर्म्स, इनका जो रिजल्ट है वो 4 अगस्त को आना है, तो विल वेट फॉर रिजल्ट कि कंपनी के बारे में और अच्छे से पता चल सके। ये जो आपने 15% का मार्जिन बोला कि इट इज गुड, इसका बेंचमार्क कैसे पता चलता है? मतलब देयर इज नो बेंचमार्क, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, एंड इफ इट इज एबल टू गेट अ मार्जिन ऑफ 15%, इट इज कंसीडर्ड टू बी गुड। ओके, सो अगर आप मतलब पिछले साल का भी देखें, तो कंपनी हमेशा 16-20% के बीच में रही है। अगर हम पुराने भी देखेंगे, बीच में है, जब जून में 30% रहा है, बट अराउंड 15-16% ही रहे, तो मार्जिन में ज्यादा फर्क नहीं आएगी। मतलब इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वजह से ज्यादा फर्क नहीं आया है। फिर अब इसके बाद फिर हम लोग फर्दर देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर हम 3 साल का प्रॉफिट देखें, तो कंपनी ने अराउंड अगर 22 से 24 तक का देखे, तो कंपनी ने 84, यहाँ पे 35, तो विच इज 120 प्लस 74, तो लगभग 190 करोड़ कमाए हैं कंपनी ने 3 साल में। तो ये जो 190 करोड़ हैं, वो कंपनी ने कहाँ दिए? तो अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स 2022 से 86 से जो इनका लाइबिलिटीज है वो 14 करोड़ की सिर्फ रह गई है, तो कंपनी ने उधारी वापस की है। कंपनी ने अपने असेट्स बढ़ाए हैं 7 करोड़ से। फिर कंपनी के अदर असेट्स बढ़े हैं, तो अदर असेट्स में क्या बढ़े हैं, तो इसका कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है। तो आपको 190 करोड़ का अगर कंपनी वो पॉजिटिव साइड ले जा रही है, तो विच मीन्स कि कंपनी अपने बिजनेस पे फोकस्ड है, प्लस कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो भी है, एंड विच दे आर यूजिंग टू परचेज फिक्स्ड असेट्स। अगर आप इन्वेस्टिंग में देखेंगे, तो फिक्स्ड असेट्स परचेज हो रहे हैं। एंड अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखेंगे, तो यहाँ पे उन लोग रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स भी कर रहे हैं, और इस साल सबसे ज्यादा डिविडेंड भी दिया था 8.29 करोड़ का। तो जब जैसे हम लोग ने बात की कि फर्स्ट हम लोग ने सिर्फ एक स्क्रीन यूज की, एंड स्क्रीन्स में कई कंपनीज आई, विल ट्राई टू फाइंड कि वो स्क्रीन से 40-50 कंपनीज हो जाए, उसके बाद उन कंपनीज पे पढ़ना पड़ता है, एंड तब जाके आता है। अगर आप यहाँ पे मेरी नोटबुक देखोगे, तो दिस इज कंपनी विच आई स्टार्टेड रीडिंग इन 18 जून 2023, तब से 2% बढ़ चुकी है, एंड अगर अक्टूबर से बात करें, तब से 10% बढ़ चुकी है। एंड यहाँ पे नॉर्मली आई मेंशन माय रीजन ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड इवन मेक अ पीडीएफ ऑफ व्हाट वर माय रीजंस, एंड हर रिजल्ट्स के बाद उसको मैं अपडेट भी करता हूँ। फिर उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो विल सी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने किसी भी क्वार्टर्स में अपनी शेयर होल्डिंग सेल नहीं की। तो मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है, दिस सी कि कंपनी में अभी भी वैल्यू है। अगर आप बीच में देखेंगे, पिछले 2-3 साल में काफी खबरें आ रही थी कि प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी एक ऐसी वैल्यू पे प्राइस थी कि प्रमोटर्स को भी मतलब कि अपना स्टेक सेल करना बेटर लग रहा था। प्लस FIs एंड DIs दोनों इसमें इन्वेस्टेड है, फर्दर एक अच्छा आपको एक व्यू मिल जाता है कि क्यों आपको कंपनी में बने रहना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो मेरा प्रोसेस रहता है, वो ये रहता है कि कंपनी के रेटिंग अपडेट्स पढ़ूं, क्योंकि काफी डिटेल्स जो है
कंपनी के रेटिंग अपडेट्स में से मिल जाती है, जो कंपनी के अंदर का है कि जैसे इनकी एक सब्सिडी थी बामनी प्रोटीन लिमिटेड, इनकी एक सब्सिडी है बामनी प्रोटीन लिमिटेड, जिसको शायद बंद कर दिया था वायलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म की वजह से। बट अब जो है, क्योंकि वो सेम काम जो है कंपनी अब खुद कर रही है अपने सब्सिडी की करने की जगह, और जो डिफरेंस आया था बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, अब उसको वो उसने फुलफिल कर लिया। तो यही होता है कि जब आप कंपनी के बारे में और पढ़ते, रेटिंग अपग्रेड्स लेते हैं, मैं नॉर्मली 3 से 4 साल का फाइनेंशियल वो बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद कंपनी के सारे अनाउंसमेंट्स चेक करता हूँ ऑन एक्सचेंज वेबसाइट्स की क्या अनाउंसमेंट्स है, क्या बेटर पता चल रहा है, एंड देन उसके हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ। बट इतना स्टेप्स करने के पहले अगर मुझे फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग में ही अच्छी लगती है एंड ऑन द फेस अगर कंपनी अच्छी लगती है, तो मैं एक छोटा पैसा जो है वो कंपनी में डाल देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका पैसा इन्वॉल्व होता है तब आपका दिमाग ज्यादा लगता है। होता है ना कि जब आपने भले ही 1,000 रुपए भी डाला तो आपको वो 1,000 रुपए दिखता रहेगा कि 1,000 रुपए 800 हुआ तो 800 रुपए क्यों हुआ, 1,000 रुपए अगर 1,200-1,500 हुआ तो वो क्यों हुआ। तो इसलिए कि अगर छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है, आपने एक छोटा पैसा भी डाला तो आपको उसमें काफी फर्क पड़ेगा। आप इसके साथ बीच में टेक्निकल एनालिसिस भी अप्लाई करते हो क्या? टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली पूरा एनालाइज नहीं करता, बट जैसे कि जब मैं अपना स्टेप्स लेता हूँ, कि जैसे व्हेन आई वाज इन्वेस्टिंग, अगर मेरे को दिखता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर टेक्निकली चार्ट के हिसाब से देखूं तो दिस वाज अ गुड रेंज टू इन्वेस्ट। यहाँ पे जब आप यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन डालोगे तो दिस वाज अ गुड एरिया टू इन्वेस्ट, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट भी दे रहा था। तो नॉर्मली अगर मुझे सपोर्ट के पास दिखता है तो बिकॉज अज्यूम मेरे को 1,00,000 रुपए डालना है किसी एक स्टॉक में, मैंने स्टार्टिंग में 10,000-20,000 डाल दिया बिफोर प्रॉपरली बाइंग इनटू कंपनी, मैंने क्योंकि कंपनी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो पैसा है वो अगर मुझे कंपनी पढ़ते पढ़ते और अच्छी लगी, उसके और पॉजिटिव मिले, तो मैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ मनी डाल दूंगा। एंड उसके बाद थोड़ा सा पार्ट जो रह जाता है, तो अगर कभी करेक्शन आया या मुझे दिख रहा है कि कंपनी एक सपोर्ट पे आगे टेक्निकली, तब मैं उसको थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट वैसे करके डाल देता हूँ। सो टेक्निकल का मेरा मेन यूज यही रहता है कि टू फाइंड अ गुड एरिया जहां पे मैं डाल सकूं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 800 वाज अ गुड प्राइस रेंज टू पुट मोर मनी, तो जैसे ही जब वो 800 आया था, इवन इफ इट वाज इन अ डाउनफॉल, मैं वहां पे शायद और पैसे डाल देता हूँ। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेनली टेक्निकल यूज में ज्यादा रहता है ये ब्रेकआउट्स वगैरह का। सो अगर मान लो व्यूअर्स को इसके बारे में और समझना हो, बिकॉज मेनी व्यूअर्स रिक्वेस्टेड मी कि हमें फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट सीखनी है, सो व्हाट वुड यू रेकमेंड देम? फंडामेंटल बेसिक प्रोसेस बता दिया हमने जी। सी फंडामेंटल्स जब आप हम इन्वेस्ट करते हैं तो वी मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बेसिक्स और एक आइडिया सजेस्ट किया जहां पे आप आरओसी लेके कंपनी के बारे में जान सकते हो। तो आप स्क्रीन करने के लिए आप कोई भी आइडिया ले सकते हो, जैसे देयर इज वन मोर कंपनी एनआर अग्रवाल जो मैंने बात भी की थी। तो एनआर अग्रवाल कंपनी है 788 करोड़ की, इसका करंटली स्टॉक पी चल रहा है 617 की। ये जो कंपनी है ये रिसाइकल पेपर से पेपर बनाती है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। बट ये कंपनी जो है अगर आप यहाँ पे इनका बैलेंस शीट देखेंगे, तो यहाँ पे लगभग आपको 788 करोड़ की कंपनी है एंड लगभग 700 या 750 के आसपास का ये कंपनी जो है केपेक्स प्लान की है। तो अगर कंपनी ऑलरेडी 788 करोड़ की है, कंपनी 750 करोड़ का और केपेक्स कर रही है, मतलब कि अपना जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट डबल करने की बात कर रही है, तो क्या आपको क्या लगता है उसका प्राइस डबल नहीं हो जाएगा? वोंट दिस स्टॉक बिकम अ लायबिलिटीज चेक करना जरा एक बार। शोज इसकी अगर हम लोग लायबिलिटीज चेक करें तो 0.76 है डेट टू बुक एंड वेट, एक जगह पे लायबिलिटीज का सेक्शन आया था। हाँ जी हाँ जी, वो आता है बैलेंस शीट पे आएगा, बैलेंस शीट borrowings and liabilities. इसकी liabilities देखो increase नहीं होती जा रही हर। हाँ, तो वही तो आपको मैंने reason देखा ना, यहाँ पे देखो ना 483 करोड़ से 600 करोड़ से बढ़ के आपके इसके assets हो चुके हैं more than 650 करोड़, जिसमें से उसने कुछ पैसा जो है उधार से लिया। तो वही मैंने बोला कि अगर उधारी लेने के बाद भी अगर आप देख लो, अभी borrowing होने के बाद भी अगर आप इक्विटी से कंपेयर करो तो सिर्फ 0.76% ही डेट है। डेट जो जितना जीरो के पास हो उतना बेटर होता है, बट
इसमें भी कंपनी इजिली अभी अपने के अपने जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट भी है उससे भी कंपनी इसका इंटरेस्ट भी दे सकती है और धीरे धीरे प्रिंसिपल भी दे सकती है, तो बुक पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो वही मैंने बोला कि अगर उधार हमेशा खराब नहीं होता, अगर कंपनी उधार ले रही है और कंपनी उससे बिजनेस के अंदर ही अच्छा काम कर रही है, जैसे अगर आप मतलब डेट को एक बड़ा लेवरेज भी माना जाता है क्योंकि आप हर काम इक्विटी पे नहीं कर पाते, बट अगर यही अगर कंपनी जो ये केपेक्स की है आपने यहाँ पे देखा कि 483 करोड़ के असेट से 1100 करोड़ के असेट्स हो गए जो उसने फिक्स असेट्स बढ़ाए, और ये नहीं कि उसने लैंड वगैरह लिए, उसने प्लांट एंड मशीनरी में बढ़ाए, तो अगर वो एग्जिस्टिंग मतलब फर्स्ट तो एग्जिस्टिंग जो मशीनरी होगी उसकी 100% उसकी उस पर चल रही होगी, सेकंड जब वो मशीनरी बढ़ा रही है क्या वो नए प्रोडक्ट ला रही है कि अगर उसी में उसको डिमांड जो डिमांड है फुलफिल करने के लिए उसको सप्लाई की जरूरत पड़ी है कंपनी, इसलिए वो फर्दर अपने मशीन्स बढ़ा रही है। तो यहाँ पे 437 से 986 करोड़ गए, तो अगर जब उस जो नई मशीनरीज जो आएंगी उन पे सेल्स आएंगे तब हमें यहाँ पे वो उसके सेल्स नंबर ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखेंगे ओवर द टाइम, एंड फिर हमें कंपनी को कंपनी हो सकता है यहाँ से 788 से 1400-1500 करोड़ की भी हो जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज अनदर आइडिया, जैसे अभी तक हम ROC का एक आइडिया ले रहे थे, दिस आइडिया इज ऑफ केपेक्स की हम कंपनी के केपेक्स के हिसाब से ले रहे हैं, बट क्योंकि हो सकता है कि केपेक्स जो है वो सक्सेसफुल हो या केपेक्स सक्सेसफुल ना हो, तो हम इस पे सिमिलर एलोकेशन नहीं करेंगे कैपिटल का जो हम लोग नॉर्मली किए होते हैं। बाकी वी विल ट्रैक की कंपनी के केपेक्स, क्योंकि एक बार में तो कंपनी सारे मशीनरी खरीद नहीं लेगी, तो वी ऑन द टाइम विल ट्रैक की अगर कंपनी ने नए मशीनरीज लगाए तो क्या उसके फर्क सेल्स पे दिखा कि नहीं दिखा। तो इन्वेस्टिंग इज अ रेगुलर प्रोसेस, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी, तो आप कोई भी आइडियाज ले सकते हो, एंड बेस्ट अगर आपने जैसे आपने पूछा कि कैसे सीखे, तो बेस्ट तरीका है कि आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके आप बुक्स पढ़ो, दे टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, फिर उनके वीडियोज आते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने दो आइडियाज डिस्कस किए, वन वॉज फ्रॉम अ बुक एंड वन वॉज केपेक्स, तो उनके वीडियोज होते हैं जिससे मैं भी मतलब आई कीप ऑन फाइंडिंग न्यू आइडियाज जिसके बेसिस पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड जो बहुत अगर थोड़ी सी नॉलेज है, तो जैसे कि आपने वॉरेन बफे की बात की, तो वॉरेन बफे ने उनका एक बहुत फेमस है लेटर्स टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम बाय वॉरेन बफे, वो अपने इन्वेस्टर्स को लेटर लिखते हैं हर AGM पे कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई ही इन्वेस्टेड इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो जब आप उनके रीजंस पढ़ोगे और कैसे वो टर्न अप हुई, तब आपको और आइडिया मिलेगा कि आप कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आई थिंक दैट वाज गुड, दिस इज गुड। आई थिंक मैंने आज तक कभी स्क्रीनर यूज नहीं किया था, बट नाउ आई थिंक आई कैन यूज इट टू सम एक्सटेंट। मेरे को नहीं पता था कि इसके अंदर क्वेरी भी लग जाती है इस तरीके से। नहीं नहीं, मतलब मेन पार्ट इज स्क्रीनिंग ही ओनली, स्क्रीनर का। आई हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। ओके, इवन जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता हूं तो भी मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही करता हूं। आई जस्ट इंक्रीज द टाइम फ्रेम फॉर माय मंथ इयर्स और होते हैं। जैसे मेरे मेंटर जो मिस्टर कुणाल सर होगी वो भी टेक्निकल से ही करते हैं एंड उनकी भी काफी अच्छी इन्वेस्टिंग है। एनीवेज, बट शशांक, दिस वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। आई थिंक इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड ऑन माय पॉडकास्ट, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर पीपल विल लव इट, बिकॉज़ व्हेन यू गेव मी द ऑप्शन दैट रोहित वी कैन डू वन फ्रॉम algorithm trading and one from fundamental investing, and where do you want to go? I actually posed this particular question to the community itself, ki what is the next video you want to see and about what topic, and they simply said ki sir we want about fundamental investment, so bring somebody for. So that's when I came back to you ki let's do on fundamental investing, that is what people want. So what I'll do is I'll just post this particular video on the channel, and in the description I'll tag you, and when the comments start pouring in I think you take it over from there, and that would be sure. Much better. Sure bro, no problem. But thanks a lot for coming for the podcast. Thanks a lot. Thank you so much for inviting me. Thank you.